लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल है रक्षाबंधन, तो मैंने सोचा कि मुझे आज ही मेहंदी लगा लेना चाहिए, क्योंकि तभी ना मैं आप लोग के साथ एक न्यू डिजाइन शेयर करूं। तो ना मैं एक यूनिक सा डिजाइन लगाऊंगी, ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा, और मुझे जहां तक पता है ऐसा डिजाइन तो नहीं लगाया होगा किसी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ना मैं जाके देखी अपना रूम में, तो मेरे पास हमेशा मेहंदी रहता था, लेकिन कल क्या जो हो गया था भाई, मेरा सारा मेहंदी खत्म हो गया था। फिर ना मैं अपने भाई के पास गई और बोली कि जाओ एक पैकेट मेहंदी ले गया। भाई उसका तो इतना नखरा ना, भले रक्षाबंधन है उसी के लिए मेहंदी लगा रहे हैं, लेकिन भी इतना नखरा कि नहीं ला देंगे, नहीं ला देंगे। फिर मेरे बहुत बोलने के बाद वो बोला चलो ठीक है ला ही देते हैं। फिर वो दुकान गया, उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ मेहंदी ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने बोला जाओ दूसरा दुकान, तो फिर वो दूसरा दुकान गया, उसके बाद वो मेहंदी लेके आया। उसके बाद ना हम लोग खाना उना खा लेंगे, उसके बाद लगाएंगे सोचे, तो खाना खाने से पहले तो खाना बनाना पड़ेगा। उसके क्या तो क्या है, हम लोग फटाफट से खाना उना बनाए और उसके बाद ना मुझे मेहंदी लगाना था, तो मैं कुछ जल्दी ही जल्दी खा रही थी, क्योंकि देखो अगर रात में मेहंदी लगाओ ना तो बहुत रात हो जाता है, और ना फिर तो सबको अगर सो जाए ना तो और ही भूत जैसा लगने लगता है ना। तो फिर क्या है, मैं मेहंदी लगाने बैठी। अब उस दिन ही क्या हुआ, मेरी बहन बोल रही है कि हमको ठीक नहीं लग रहा है, हम सोने जा रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी, कितना बजे, 9 बजे आसपास वो बोल रही है कि हमको ठीक नहीं लग रहा है, हमको सोना है। अब तो फिर मेरी मम्मी लोग भी सब कुछ सो गई, उसके बाद मैं अकेले रात में मेहंदी लगा रही थी। अब मैंने देखा कि मेरा शुरू में बैकग्राउंड थोड़ा अलग था, रवि का बैकग्राउंड अलग है, फिर मैंने देखा ये वाला से तो अच्छा आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज किया, और उसके बाद ना बहुत सोचा कि मैं कैसा डिजाइन बनाऊँ कि सबसे यूनिक हो। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा यूनिक डिजाइन बनाए जो हर बहन लगाए, भले उसका भाई, मतलब फिर उसका भाई देखे तो बोले कि हाँ चलो कुछ तो लगाई हो भाई। तो फिर क्या है, मैंने ना ये वाला लगाया, भाई मेरी वो हिम्मत है, मेरा वो सहारा है, भाई मेरा मुझसे मेरी जान से भी प्यारा है। ये मैंने अपने पूरे हाथ में लिखा, और सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने भाई ना बड़ा सा लिखा, ताकि उसे दिखे कि देखो सबसे पहले भाई लिखा है, तभी ना इतना छोटा छोटा लिखेंगे तो ध्यान तो जाने वाला नहीं है, इसलिए ना पहले मैंने बड़ा सा भाई लिखा, उसके बाद ये वाला ना छोटा 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 लिखा है, ठीक है। फिर ये वाला लिखने के बाद मैं ना फिर से कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा डिजाइन बनाऊं, कैसा डिजाइन बनाऊं, पूरा मतलब कि पूरा पूरा भर दूं या फिर सिंपल सा डिजाइन बनाऊं। उसके बाद मैंने सोचा अगर मैंने इसे लिखा है तो मुझे इसे मतलब कि आउटलाइन करके पूरा कवर भी करना पड़ेगा, तब तो ये अलग सा यूनिक सा दिखेगा भी। उसके बाद मैंने पूरा अच्छा से लिखा, उसके बाद ना फिर उसके चारों तरफ पूरा लाइनिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नॉर्मल मेहंदी लगाते हैं वैसे ही मैं डिजाइन बनाने लगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना पहले स्वास्तिक बनाया, उसके बाद ये वाला डिजाइन में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे उतना याद नहीं है, फिर ये वाला किया ना, तो आगे से भी किया पीछे से भी किया, और थोड़ा सा सिंपल नेल आर्ट बोल रही, मेरा आदत हो गया है, क्योंकि मैं ना नेल आर्ट वाले चैनल में अपना वॉइस ओवर करती हूँ, और ये मेहंदी वाला मैं ना नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बार बार नेल आर्ट कर रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, एक दो बार कर लेती हूँ इसमें भी वॉइस ओवर, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें ज्यादा करोगे ना उसी का बार बार मतलब बोलने में होता है ना, तो वही, इसलिए मैं बार बार नेल आर्ट कर रही हूँ। अब नेल आर्ट एक बार भी नहीं बोलूंगी, अब बस मेहंदी डिजाइन बोलूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने सोचा ना मैं ऐसे सिंपल सा मेहंदी डिजाइन बनाऊंगी ना कि हर कोई लगा सके, ठीक है। तो मतलब कि इस रक्षाबंधन आप थोड़ा स्पेशल मेहंदी डिजाइन लगाना, हाँ, और ना इतना आपको ये डिजाइन कैसा लगा ये भी मुझे जरूर से जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझ के ऐसा डिजाइन लगा रही हूँ, और आज तक ऐसा डिजाइन किसी ने नहीं लगाया है। मैंने तो पहले YouTube में सर्च किया कि किसी ने ऐसा डिजाइन तो नहीं ना लगाया है, फिर मैंने पूरा YouTube देखा, मुझे कहीं ऐसा डिजाइन नहीं मिला, इसलिए मैंने थोड़ा यूनिक सोच के ये वाला डिजाइन बनाया है। और देखो यूनिक मतलब क्या ही होता है, यूनिक मतलब सबसे अलग उस टाइप का है ना, और मैं यूनिक मेहंदी डिजाइन लिख दूं और कुछ यूनिक रहे ही नहीं तो क्या ही फायदा है ना। तो
आपको थोड़ा यूनिक लग रहा है कि नहीं ये भी मुझे बताना है ना। और ये रक्षाबंधन आप कहाँ कहाँ जा रहे हो ये बताना। हम लोग तो पहले घर में राखी बांधते हैं अपना भाई को, ठीक है, उसके बाद मेरी मम्मी जाती है नानी घर, तो हम लोग सब कोई जाते हैं नानी घर। फिर नानी घर में भी बहुत सारे भाई हुए हैं तो वो लोग को भी राखी बांधते हैं। और आज मैं जाऊँगी राखी खरीदने, उसके बाद हम लोग पहले अगर नानी के जाना रहता है ना तो पहले काउंट करते हैं कितना भाई है कितना ठो राखी खरीदे, तो वैसा होता है ना। तो घर में हम लोग ना, और इस बार तो सुनने में आ रहा है कि 2 बजे के बाद राखी बांधने बनेगा, बट कभी भी बने पहले घर में बांधते हैं। फिर मेरी सारी फुआ लोग आती है जो कि पापा को राखी बांधती है, फिर घर में सब चीज होने के बाद हम लोग नानी घर जाते हैं। और मेरी मामी भी पहले ही चली जाती है अपना मायके और वो राखी उखे बांधती है, क्योंकि मम्मी लोग को भी तो जाना रहता है ना, तो फिर मम्मी लोग के बहाना हम लोग भी चल जाते हैं नानी घर। और नानी घर जाने में कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहता है, अगर उसको मतलब 10 दिन में डेली नानी घर जाना रहे ना तो भी वो चला जाता है, तो फिर क्या। और एक मतलब कि वहाँ और सारे भाई लोग रहते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है ना कि चलो इतना इतना कोई को राखी बांधेंगे। घर में क्या है, घर में एक भाई जो स्पेशल रहता है लेकिन भी एक ही जन को राखी बांधते हैं ना। और फिर राखी लेने भी जाओगे ना तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि नानी घर जाना है या फिर नानी घर नहीं जाना है। तो मैंने सोचा इस बार कि शायद मैं नानी घर जाऊंगी, तो मैं जब आज राखी लेने जाऊंगी ना तो ढेर सारा राखी खरीदूंगी और क्या बोलते हैं, और मैं मेहंदी भी खरीदूंगी, क्योंकि ना मेरी मम्मी का और मेरी बहन का मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगा है और मैंने भी बस आगे में लगाया है। तो मैं शाम तक ना और एक मेहंदी का वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, है ना। और देखो आज ही ना आप लोग देखोगे मेहंदी डिजाइन, कल तो नहीं लगाने वाले हो कोई, तो थोड़ा यूनिक सा मेहंदी डिजाइन है मुझे तो लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो ये डिजाइन, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे ये भी बताना कि आप लोग इस रक्षाबंधन अपने नानी के घर जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और नहीं भी जा रहे हो तो भी बताना, जा रहे हो तो भी बताना, है ना। और मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ, थोड़ा वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा।